तो गाइज आज की वॉइस ओवर में आपको है ना, हम लोग रिको में, रिको से ही वॉइस ओवर हो रही है क्योंकि है ना यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं तो उनकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, तो वो उसकी जितनी भी ध्वनि होती है वो मेरी वॉइस ओवर में आपको सुनाई देगी, तो प्लीज़ अवॉइड करना। और मैं आपको बता दूँ कि आज हम रिको में सुबह से ही आ गए हैं क्योंकि ना पापा जी की अचानक तबीयत इतनी ज़ोर से ख़राब हो गई थी, उनके माइंड में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था तो उनको एडमिट कर दिया गया है। तो लव लव के पापा वहीं पर हैं और मैं, सुरभि और दादी घर पर हैं, तो मतलब रिको पर हैं, रिको में हैं। आज बिल्कुल वॉइस ओवर करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे पास वीडियो कल की है तो मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी है ना इच्छा ही नहीं हो रही है, मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइज यहाँ पे सुबह के मंडे का है ये, तो और आपने कल की वीडियो में जब देखा था, कल की थी वीडियो, जो पापा जी कितनी अच्छी तरह से बात कर रहे थे, काफ़ी ठीक ठाक थे, खुश थे पापा जी और खाना भी खा ले रहे थे। लेकिन फिर सुबह पापा जी को रात से ही दर्द हो रहा था हल्का हल्का, लेकिन सुबह इतनी तेज़ हो गया था कि फिर उनको ले जाना ही पड़ा था और काफ़ी वीकनेस हो गई है पापा जी पे, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो इस तरह से गई यहाँ पे मैंने ये शूरैक वगैरह भी साफ की थी, मंडे के दिन सोचा था सारा काम कर लिया जाए, तो यहाँ पे जो भी काम एक्स्ट्रा थे वो सब कर लिए गए हैं। यहाँ पे जो लपसुर भी स्कूल चले गए थे तो उनके कपड़े थे तो वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, और गाइज मैं हाथ से ही इनको मतलब खंगालती हूँ, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में नहीं खंगालती हूँ, मतलब उसमें ड्रायर में नहीं करती हूँ, मैं हाथ से ही करती हूँ। तो इस तरह से और काफ़ी मन सबका, और इधर मम्मी को भी संभालना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं, रोने भी लग रही थी मम्मी, फिर मम्मी को भी काफ़ी हिम्मत देनी पड़ रही है क्योंकि एक दूसरे से एक दूसरे को हिम्मत होती है गाइज। और यहाँ पे मम्मी मेरे पास ही बैठी हैं तो आपको मेरी वॉइस ओवर में भी मम्मी की आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे मैंने मंडे है तो बेडशीट भी चेंज कर दी है, तो मैं दो दिन बाद में बेडशीट चेंज कर देती हूँ वैसे। और लपसुर भी जब स्कूल घर रहते थे तो मैं डेली चेंज करती थी क्योंकि हम लोग एक ही रूम में रहते हैं तो फिर वो गंदी भी जल्दी हो जाती थी। इसके बाद किचन की भी मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, और यहाँ पे ये कपड़े हैं वो भी मैंने लपसुर भी के सुखाने डाल दिए हैं। और देखिए गाइस किचन पूरी मैंने क्लीन कर दी, जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने क्लीन कर दिए हैं इस तरह से गाइस सारे, क्योंकि आज ठाकुर जी का और भोलेनाथ का अभिषेक करना है तो लग रहा है कि जल्दी से पूजा हो जाए, मंडे है तो फिर अपने आप ही अंदर से एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पे गाइस इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कौन सी वाली साड़ी पहनूँ क्योंकि मंडे है तो लगता है कि स्पेशली साड़ी पहन ली जाए कुछ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को, सभी भगवान जीओं को दही से साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह से, ठाकुर जी को भी मैं कर लूँगी। और गाइस मेरे पास अभी पीतम्बरी आई नहीं है, मैं मार्केट उस दिन हम पास ही में गए थे लेकिन ध्यान ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से अब अभी। तो गाइस मैं तो बस यही मानती हूँ कि चाहे हम किसी भी धर्म से जुड़े हों लेकिन हमें सच्ची आस्था से अपने इष्ट की पूजा अर्चना जो भी हम करते हैं वो करनी चाहिए। तो अगर भोलेनाथ तो हमारे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ तो भोलेनाथ होते हैं, और सावन के महीने का तो महत्व ये होता है कि अगर हम है ना सच्चे मन से भोलेनाथ पर एक लोटा भी चढ़ा देते हैं तो वो भोलेनाथ उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी अभिषेक गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भोलेनाथ का अभिषेक करना, मंदिर में करने की का अलग अलग ही महत्व होता है गाइस। यूँ तो हम सभी लोग अगर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी कर देते हैं, लेकिन ये है कि जैसा आप पे बन जाए वैसे आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस मैं अभिषेक करने के बाद मैं यहाँ पे पूजा कर दी, और गाइस मैं सबसे पहले अपनी कुल माता के पास जाती हूँ, उसके बाद में ही घर की पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कुल माता के पास जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मंदिर में गाइस देखिए गाइस भगवान जी कितने प्यारे लगते हैं, और जब मैं ना गाइस अपने ठाकुर जी को देखती हूँ ना इस तरह से, तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है और दुगना विश्वास और पैदा हो जाता है, ये देखिए गाइस। तो इस तरह से गाइस बाद में मैंने अपनी सिंदूर वगैरह लगा लिया है, और तो भागा दौड़ी मैं नहीं कर पाते हैं गाइस। जय बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन मंडे और पूजा मेरी हो चुकी है गाइस, और अब लपसुरभि के लिए कुछ बना दूंगी और अपने फरार के लिए पहले बनाऊंगी कुछ, लपसुरभि अभी देर में आएंगी गाइस। और मैंने ये फिर फाइनली ग्रीन वाली साड़ी पहन ली थी मैंने,
और बालों में अभी तो गीले हैं अभी बाल। तो मिलते हैं गाइस आपसे सभी को सावन के तीसरे सोमवार की शुभकामनाएं। वैसे इस वाले सावन, ये लौंद का महीना बोला जाता है, तो इस वाले सावन जो सोमवार है ना वो सावन में काउंटिंग नहीं होगी ऐसा बोला गया है। लेकिन व्रत के लिए ना मैंने पूछा था तो बोल रही हैं, मैंने अपनी छुटवेली नंदन से पूछा था तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो सारा मतलब चारों सोमवार इस वाले महीने के भी और वो वाले भी सब रहना है। तो फिर मैंने कहा हम भी रह लेंगे, उसमें क्या है। तो मतलब ये है कि आठों सोमवार रहने हैं। तो फिर चलते हैं, गला बैठा हुआ है, चाय बनाऊंगी बढ़िया तसल्ली वाली। तो फिर मिलते हैं गाइज आपको, तो सभी को सोमवार की शुभकामनाएं भोलेनाथ सब पे। तो यहाँ पे गाइज मैगी बना दी है, ये मार्केट जो खुली हुई मैगी होती है वही वाली मैगी सुरभी लेके आई थी, उसका मन कर रहा था, वो बना दी है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने गाइज अपने लिए ना मूंगफली को रोस्ट कर लूँगी और अपने लिए चाय बना दूँगी। उधर मैं ठाकुर जी का भोलेनाथ पे मतलब मंदिर में भी रख दूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे गाइज ये देखिए, और मैं अपने लिए चाय भी बना लूँगी गाइज। तो मैंने अपने लिए गाइज यहाँ पे चाय बना ली है और मैं मूंगफली चाय से मतलब खा लूँगी, तो इससे थोड़ा भारीपन सा हो जाता है, तो भूख तो मैं जो हल्की हल्की लगती है वो नहीं लगेगी। और इसके बाद तुरंत बाद गाइज मैं ना खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि 5 बजे लाइट जाती है। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि पापा जी के लिए और मम्मी के लिए खाना लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैंने तोरई और आलू डाल दिए। तो आलू बच्चों के लिए डाल दिए और तोरई पापा जी के लिए बना रही। तो यहाँ पे मैंने पूरे का थोड़ा सा फ़ैन खोल लिया था, मैंने कहा मंडे है तो भोलेनाथ का भोग भी लगाने का, खीर वगैरह हम बना नहीं रही, तो मैं दही से लगा दूँगी भोलेनाथ का भोग। तो यहाँ पर मैंने तोरई की सब्ज़ी बना दूँगी गाइस, और इसमें मैं कश्मीरी मिर्ची डाल दूँगी क्योंकि तेल तो मैं थोड़ा कम ही डालूँगी। और यहाँ एक साइड में मैं बना रही हूँ रोटियाँ और एक साइड में मैं पूड़ियाँ भी निकाल रही हूँ और जो मीठे वाले पुए हैं वो भी निकाल दूँगी, तो दोनों मेरी साथ चल रही हैं। और इधर लव भी मेरे से कह रहा है, तो सबसे पहले मैंने ठाकुर जी के लिए भोलेनाथ के लिए प्लेट निकाल दी थी, तो वो मैंने निकाल के रख दी है। फिर लव के लिए भी मैं दे दूँगी। और तो मेरे हस्बैंड रिको जा रहे हैं, रिको के लिए फ़ोन आ गया उनका, खाना लेके जाएंगे तो वो ले जाएंगे, तो वही मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे पापा के लिए रोटियाँ बना रही हूँ मैं, और बाकी मम्मी और मेरे हस्बैंड तो खा लेंगे। तो इस तरह से गाइज देखिए गाइज, तो यहाँ पे मैं और गाइज कल पापा, तो गाइज मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने बना लिए थे, ये थोड़े से ही बनाए थे मैंने मीठे वाले पूए। तो जब पापा जी बिल्कुल ठीक ठाक थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए, तो वही मैं उनसे पूछ रही हूँ पापा जी थे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं पापा जी ने सुबह खिचड़ी खा ली थी, और यहाँ पे ये आलू वाले जो मैंने डाले थे ना सब्जी, उसमें तोरी की सब्जी, वो आलू में मैंने जीरा, भुना हुआ जीरा, हल्का सा काला नमक डाल दिया। और यहाँ पे रिको के लिए मैं बना दे रही हूँ गाइस, पापा जी तो वैसे खाएंगे नहीं। तो गाइस वीडियो में अगर कोई कमी तो होगी गाइस, तो प्लीज़ अवॉइड करना, मुझे सॉरी है। और आज की थाली यही है गाइस, तो